बाहर रहते हैं पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में तो इजाज़ नहीं जा सकते बाकी जो बाहर रहते हैं लोग आहदी हज पर जाते हैं मुसलमान होकर हज करते हैं बाकी ये है कि अल्लाह तुम ने ख़ुद फरमाया है कि जब तुम्हें और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जज की शराय हैं बाद उन शरतों को पूरा करते हो रस्ते का अमन हो सफर का खर्च मौजूद हो और इस तरह की बहुत सारी शरतें हैं तो ये शरतें अगर पूरी करते हो तो तुम्हें हज करना चाहिए तो जो जो शरात पूरी कर सकते हैं वो हज करना चाहिए बाकी सऊदी हुकूमत तो जब तक ये लोग रहेंगे और िम लोग रहेंगे मुसलमान हुकूमतों में उस वक्त तो म करते रहेंगे लेकिन हम एहमदी फिर भी जाते हैं आज पे हर साल जाते हैं आज करते हैं ठीक है जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो ब्रिटिश नेशनल तुम जाके हज कर सकते हो